नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से लगातार नई नई अपडेट निकल कर रही है, नई नई सूचना निकल कर रही है। तो आज फिर दो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। तो डिस्प्ले देख रहा है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया है। रिलीज डेट की बात करते 10/2/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और दूसरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोनों नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दिया गया, क्या अच्छा आ रहा है अपडेट, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सर तरफ से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, वरना अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है हमारे वीडियो को समझाने में या बताने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों नोटिफिकेशन हम पढ़ के सुनाएंगे क्या अपडेट निकल कर रही है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये होगा पहला नोटिफिकेशन जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से रिलीज किया गया। रिलीज डेट एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा 10/2/2023 को जारी किया गया था, 10 फरवरी 2023 को। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशासक कल्पना कुमार जो अनुसरण पदाधिकारी है, सेवा में बताएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी बांका जिला, औरंगाबाद जिला, सुपौल जिला, लखीसराय, बक्सर, कैमूर और वैशाली जिला। और बहुत से लोग सोचेंगे हमारे जिला का नाम नहीं तो हम वीडियो क्यों देखें, तो आपके गलत है। अब देखेंगे हो सकता है नेक्स्ट जो अपडेट आए आपके जिले का है तो हम वीडियो देखेंगे तभी तो हम बनाएंगे। और कमेंट करिएगा आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसमें यानी इस जिले में क्या अपडेट आ रहा है, देखेंगे बताएगा। देख सकते हैं विषय में बताएगा, विषय में क्या बताएगा आपकी जानकारी लिए बताएगा। देख सकते हैं विभागीय स्वीकृति संख्या 27वीं दिनांक 31 जनवरी 2023 द्वारा स्वीकृति कुल कितना था, 28,80,000 रुपये मात्र राशि के आवंटन किया गया है। यानी कि इतने जिलों में कितना जारी किया, 28,80,000 रुपया जारी किया गया 31/1/2023 द्वारा स्वीकृति क्यों किया। देखिए सर महाशय में क्या जानकारी दिया गया, महाशय में बताया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्वीकृति संघ 27वीं दिनांक 31 जनवरी 2023 द्वारा वैसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है को प्रत्येक माह अधिकतम 1,000 रुपया मात्र के दर से भवन कराए हेतु किराए हेतु उपयुक्त संख्या के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 28,80,000 रुपये मात्र राशि का स्वीकृति प्रदान की है। यानी ये जो जिला लिखा गया है यानी देख सकते हैं बांका जिला, औरंगाबाद, सुपौल, लखीसराय, बक्सर, कैमूर और वैशाली जिला, इसमें ये जानकारी दिया गया है। देख सकते हो वैसे ग्राम कचहरी यानी उसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, खुद का यानी सरकारी भवन नहीं है, किराए पर लेकर जो कि अधिकतम प्रतिमा की जो किराया होता है 1,000 रुपया मात्र दर से भवन किराए हेतु उक्त स्वीकृति संख्या के साथ संलग्न विवरणी वन का उनका अनुसार कुल 28,80,000 रुपया जारी किया गया, जिसका अपना किराया ये जारी किया गया है। इतने इतने जिले में जो कि ग्राम कचहरी का अपना किराया नहीं, खुद का सरकारी भवन नहीं है, किराए पर लेकर रहते उसका यानी कि मानदेय जो बोल सकते हैं यानी कि उनका वो फीस दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं बताया गया दो नंबर बताया उक्त विभागीय स्वीकृति संख्या आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना था, 28,80,000 रुपये मात्र राशि जिलावार निरूपण आवंटित किया गया। कौन कौन जिले में देख सकते बताया क्रमांक संख्या, यहाँ से बताया गया क्रमांक संख्या जिला और किराए पर भवन की संख्या और आवंटित राशि यानी कौन से जिले में कितना किराया भवन दिया गया। सबसे पहले बात कर लेते एक नंबर क्या गया बांका जिला जो कि किराए का भवन की संख्या की बात कर 19 भवन है, ठीक है, किराए पर लिया गया 19 भवन। उसके बाद कितना देख सकते 1,52,000 रुपया किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर बताएगा औरंगाबाद जिला जो किराए के भवन की संख्या बात करिए तो 60 दिया गया यानी 60 उसके लिए 1,59,000 रुपया जारी किया। यानी इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके जिले में कितना किराए भवन संख्या और कितना जारी किया गया पंचायती राज विभाग। यही हो गया था पहला नोटिफिकेशन में अपडेट दिया है, नोटिफिकेशन नहीं पड़ेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा है। बस इतना ही जानकारी दिया गया जो कि इतने इतने जिले हैं जिनमें किराए के भवन लेकर काम हो रहा था, सरकारी जो भी काम होता है उसका यानी कि बकाया राशि था उसी को जारी कर दिया गया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। यानी इतने जिलों में इतना यानी किराया भवन था जिसको लेकर टोटल जुड़ा गया तो 360 हुआ है, जिसको लेकर यानी 28,80,000 रुपया जारी किया गया। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम बता देते हैं, पढ़ेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। इसे बताया गया छठे नंबर देश तो वैसे ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी जहाँ पंचायत सरकार भवन या ग्राम पंचायत भवन या सामुदायिक भवन उपलब्ध है तो वैसे ग्राम कचहरी को फोन करा किराए का भुगतान नहीं किया जाना है। ग्राम कचहरी भवन किराए राशि का उपयोग पर छानबीन जांच पड़ताल के बाद ही कीजिए, यदि कोई क्षतिपूर्ण या अनियमितता निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेदारी निकासी एवं पदाधिकारी की होंगी, ठीक है। ये भी जानकारी दिया गया, बहुत ही अच्छा जानकारी। यानी कि वैसे ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी जहाँ पंचायत सरकार भवन है या ग्राम पंचायत भवन या सामुदायिक भवन उपलब्ध है तो वैसे ग्राम कचहरी को भवन किराए का भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जानकारी दे दिया गया तो बहुत ही अच्छा जानकारी दिया गया था इसमें, ठीक है। इतने जिले में ये सारा जानकारी दिया गया तो अब चलिए दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में हम बता देते हैं उसके बारे में क्या जाना। दोस्तों आपके डिस्प्ले पर दूसरा नोटिफिकेशन जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। रिलीज डेट की बात कर 10/2/2023 यानी 10 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, सेम डेट था दोनों नोटिफिकेशन रिलीज का।
तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसर कल्पना कुमारी जोन स्वर्ण पदकारी सेवा मालेखर बीरचंद पटेल पद पटना ठीक है। अब चलिए इसका थोड़ा विषय पढ़ेंगे तो क्या जानकारी दिया गया, क्यों नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी ठीक है। जैसे बताया विषय में स्वर्गीय फुलझड़ी देवी जी पंच थी ग्राम कचहरी मुकरमा प्रखंड भगवानपुर जिला कैमूर का आश्रित को 5 लाख रुपए माता अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति किए जाने के संबंध में, यानी कि जो लेडीज है जो की गुजर चुकी है जो कि पंच रह चुकी है कहाँ के, तो ग्राम कचहरी मुकरम के ठीक है, प्रखंड के भगवानपुर और जिला कैमूर के, जो कि किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई है तो उनको आश्रित को 5 लाख रुपए पंचायती राज विभाग की तरफ से दिया गया है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे लिए ये शुल्क क्या है, तो आप गलत हैं। आपके एक सहयोग से, एक लाइक से, एक शेयर से इनके आश्रितों के पास ये वीडियो जाएगा, ये नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि उनको किसी दलाल के फेरा में ना पड़ना पड़े। आप सब समझ सकते हैं कितना दलाल है जो कि आ जाते हैं घर पे, कहते हैं इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा जारी कर दिया जाएगा, तो ये तो फलान ठेकान बतियाने लगते हैं। तो इस तरह से दूर हो जाए, उनके रिश्तेदार के पास भी वीडियो जाए या नोटिफिकेशन जाए, ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हमने नोटिफिकेशन भेज दिया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और भेज सकते हैं, और उनके आश्रित को उनके परिवार के पास भेज जाए ताकि हाँ उनको लगे कि हाँ पैसा तो जारी हो गया, आज नहीं तो कल मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो दलाल का फेरा हम पढ़ देंगे। चलिए थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो क्यों इनकी मृत्यु हुई, क्या कारण बताया गया, सारा जानकारी समझ बताया। दूसरे नंबर देख सकते हैं, दूसरे नंबर में बताया गया जिला पदकारी कैमूर के पत्रांक संख्या 179 दिनांक 17 जनवरी 2023 द्वारा स्वर्गीय फुलझड़ी देवी पंच ग्राम कचहरी मुकरम प्रखंड भगवानपुर जिला कैमूर के सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए मात्र अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु आवंटन की मांग की गई है। अनुगुण किसी कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो कि पंचती ग्राम कचहरी मुकरम के जो प्रखंड की बात किया गया था भगवानपुर और जिला कैमूर के ठीक है, इसी राशि को उपलब्ध कराया गया। बताया गया जिला पदकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विभागीय आवंटन संख्या इतना 25/1/2022 द्वारा आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 21/22 के समापन होने के कारण नहीं किया जा सकी, और भी जानकारी दिया गया। देख सकते तीसरे में बताया गया मृत्यु के आश्रित को 5 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति जिला पदकारी कैमूर के स्तर से दिनांक 31/12/2021 को ही दी जा चुकी है। एतिहा विभागीय संकल्प संख्या इतना यानी कि 5482 दिनांक 1/10/2018 और जिला पदकारी कैमूर से प्राप्त अनुरोध के आलोक में स्वर्गीय फुलझड़ी देवी ग्राम पंच कचहरी मुकरम प्रखंड भगवानपुर जिला कैमूर के आश्रित तो कुल 5 लाख रुपये मात्र उनको अनुदान की राशि की स्वीकृति की जाती है। यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई तो बहुत ही पहले हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी नहीं, देख सकते कैमूर का स्तर 31/12/2021 को ही दी जा चुकी थी। एतिहा विभागीय संकल्प संख्या इतना के दिनांक 1/10/2018 और जिला पदकारी कैमूर से प्राप्त अनुरोध के आलोक में किया गया है, तब ये पैसा जारी किया गया ठीक है। तो बहुत ही अच्छा हुआ जो जारी कर दिया गया था, उनका आश्रितों को मिल जाएगा, और भी जानकारी दिया गया। देख सकते बताए कि पैसा किस तरह मिलेगा, बताया गया है दसवें इस स्वीकृति राशि के निर्धारित समय में अंकित छपल कराने के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने दायित्व निकासी के बैंक पदकारी का होगा। 11वां बताया राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि मृत्यु के आश्रितों को गृह विभाग यानी विशेष के संकल्प संख्या इतना के दिनांक 3/30/2013 समय समय पर अथवा संशोधित के माध्यम से किए गए प्रावधान के आलोक में अनुदान राशि की प्राप्ति नहीं हुई है ठीक है। ये जानकारी दो, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि उनके आश्रितों को उनके परिवार के पास वीडियो जाए और उनको लगे कि हाँ पैसा जारी होगा, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, दलाल के फेरा में ना पड़े, ये आप ही लोग कर सकते हैं ठीक है। यानी कि एक पंच थी जो कि लेडीज थी जिला कैमूर के, इन्हें से बताया गया, देख सकते पंच थी ग्राम कचहरी मुकरम के। यही अपडेट वीडियो था, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको कैसा वीडियो चाहिए भी कमेंट कर दीजिए ठीक है। क्या अपडेट हम देते हैं तो आपको गलत लगता है या सही लगता है ये भी जवाब दे दीजिए, हम नहीं देंगे, जो भी यूजफुल अपडेट होगा सोलर लाइट से नल जल से वही अपडेट देंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि आप जरूर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको यह अच्छा लगता है या अपडेट देते हैं या अच्छा नहीं लगता है ठीक है।